हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? महाराज, चुप इसलिए हूं कि अब युद्ध आरंभ होगा, भीषण संघार होगा, क्योंकि अर्जुन अपने स्थान पर पहुंच गया है और महाराज युधिष्ठिर अब युद्ध के लिए संकेत देंगे। महाराज, यह तो अनहोनी हो रही है। अनहोनी हो रही है, परंतु हो क्या रहा है संजय? महाराज, ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर अपने सारे शस्त्र उतार कर रथ में रख रहे हैं। शस्त्र रख रहे हैं? हाँ महाराज, और ये देखकर सारे पांडव व्याकुल हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर अब अपने रथ से उतरकर कौरवों की सेना की ओर बढ़ रहे हैं। कौरवों की सेना की ओर बढ़ रहा है? क्षत्रियों के नाम पे बट्टा है युधिष्ठिर। हाँ, आपने तो सारे शस्त्र भी रख दिए हैं, यूं हथियार डालना उचित नहीं है महाराज, आखिर हम क्षत्रिय योद्धा हैं। हे भरत श्रेष्ठ, आखिर आपके मन में क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपना धर्म निभाने गए हैं। धर्म निभाने? हाँ, धर्मराज अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा दूसरे पुरखों के चरण स्पर्श किए बिना और उनकी आज्ञा के बगैर युद्ध कैसे कर सकते हैं? यदि वो ऐसा न करते तो इस धर्म युद्ध का आरंभ अधर्म से होता। हे अर्जुन, तुमने अपने गांडीव की टणत्कार से युद्ध की घोषणा तो कर दी है, अब अपने सारथी को आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। केशव, मैं तुम्हें आज्ञा दूं? हे अर्जुन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी हूं और तुम मेरे महारथी हो। मुझे तुम्हारे इस रथ के घोड़ों की लगाम थामना है और तुम्हें गांडीव की प्रत्यंचा। इसलिए हे अर्जुन, जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं इस रथ को आगे कैसे बढ़ा सकता हूं? हे महारथी, आज्ञा दीजिए। हे महारथी, कृपया करके आज्ञा दीजिए। हे पार्थ सारथी, रथ को पांडवों की सेना में वापस मेरे निश्चित स्थान पर ले चलो। जो आज्ञा। बताते क्यों नहीं? महाराज, चुप इसलिए हूं कि अब युद्ध आरंभ होगा, भीषण संघार होगा, क्योंकि अर्जुन अपने स्थान पर पहुंच गया है और महाराज युधिष्ठिर अब युद्ध के लिए संकेत देंगे। परंतु ये क्या? क्या हुआ संजय, मुझे भी तो बताओ। महाराज, यह तो अनहोनी हो रही है। अनहोनी हो रही है, परंतु हो क्या रहा है संजय?
महाराज ज्येष्ठ पांडव, महाराज युधिष्ठिर अपने सारे शस्त्र उतारकर रथ में रख रहे हैं। शस्त्र रख रहे हैं? हाँ महाराज, और ये देखकर सारे पांडव व्याकुल हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर अब अपने रथ से उतरकर कौरवों की सेना की ओर बढ़ रहे हैं। कौरवों की सेना की ओर बढ़ रहा है? भ्राताश्री, इसका अर्थ है अब युद्ध नहीं होगा। डर गया है वो कौरवों की विशाल सेना को देखकर। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए अवश्य दुर्योधन से क्षमा की याचना करने जा रहा है। भांजे, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं। हाँ मामाश्री, हाँ। अब कृष्ण क्या करेगा, क्या करेगा कृष्ण? युधिष्ठिर को नई गीता सुनाएगा? ये तो चमत्कार ही हो रहा है। युधिष्ठिर हम कौरवों के सामने हाथ जोड़े आ रहा है। बोलो भैया। राधाश्री। महाराज आप हमारे बड़े भाई होकर हम सबको छोड़कर शत्रुओं की ओर क्यों जा रहे हैं? अरे जिस सेना में दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे योद्धा हो, उससे युद्ध करने का साहस तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। हाँ, इस युधिष्ठिर को ना तो जुआ खेलना आता है ना युद्ध लड़ना। युद्ध से पहले ही घबरा गया। क्षत्रियों के नाम पे बट्टा है युधिष्ठिर। हाँ, आपने तो सारे शस्त्र भी रख दिए हैं, यूं हथियार डालना उचित नहीं है महाराज। आखिर हम क्षत्रिय योद्धा हैं। हे भरत श्रेष्ठ, आखिर आपके मन में क्या है? मैं बताता हूं युधिष्ठिर के मन में क्या है। युद्ध से डरकर दुर्योधन की शरण में जा रहा है वो कायर। महाराज, युद्ध आरंभ के समय क्षत्रिय के आगे यूं हाथ जोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इससे पांडवों की सेना का साहस टूट जाएगा और शत्रु सेना की हिम्मत बढ़ेगी। हाँ महाराज, वापस चलिए और युद्ध करने का संकेत दीजिए। नहीं, मैं युद्ध करने का संकेत देने की अवस्था में नहीं हूं। सब लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? चिंता मत करो, धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपना धर्म निभाने गए हैं। धर्म निभाने? हाँ, धर्मराज अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा दूसरे पुरखों के चरण स्पर्श किए बिना और उनकी आज्ञा के बगैर युद्ध कैसे कर सकते हैं? इसीलिए धर्मराज अपने पुरखों से युद्ध आरंभ करने की आज्ञा लेने गए हैं।
यदि वो ऐसा न करते तो इस धर्म युद्ध का आरंभ अधर्म से होता।